ऐसा मत करो भाई। अरे खोल के पड़े हैं दूर ले। यार हम लेकर आया है। खोल खोल टी शर्ट खोल खोल टी शर्ट खोल जा जल्दी। वैसे यार इतने पतले हो यार, हमारे तो देखो ये पेट कैसे निकले हुए हैं। हमारे एकदम फ्लैट है स्विमिंग करके। हाँ यार स्विमिंग में एक बात है, एब्स बन जाते हैं ना अगर मैं डेली करूँगा तो। मेरा इतनी इतना तो नहीं चाहिए मेरे को। मेरे तो वैसे बन गए शाहरुख खान वाले। शाहरुख खान वाली सही में। अब क्या करना है। Along that street, talking nervously. You closer won't be long now. You made me write this song, yeah. We say but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know I'm like I found you for. Track of the time now. तो जी साहिल भाई ने बताया कि अगर स्विमिंग करनी है सबसे जो टफ है वो बटर स्ट्रोक है। बटरफ्लाई बटर स्ट्रोक ताला बटर चिकन ही आ रहा था। बटर स्ट्रोक बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्ट्रोक है ना। दोनों हाथों से ऐसे डर गया ना। ये डर गया ना। चौक गए क्योंकि मैच आ गया भाई। तो जी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में लोकेशन कहाँ पे है और यहाँ पे वन टाइम कितने चार्जेस हैं और मेंबरशिप अगर आपने लेनी है तो फिर कितने चार्जेस हैं यहाँ के। ठीक है वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ मैं। तो जी गुड़गांव में इफ्को चौक के पास मेरा एक फ्रेंड रहता है। आज उसी ने मेरे को इनवाइट किया कि मतलब शाम को वहाँ पे ना स्विमिंग पूल है फिर घर के पास। तो वो कह रहा था कि भाई स्विमिंग करेंगे शाम को। लेकिन मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कड़ाके की धूप है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी शाम को मैं जाऊँगा उसके पास और स्विमिंग करेंगे आज। गोते छोते मारेंगे पानी में, वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Track of the time now, the moment is right now. I've been here before, I've been here before. Feels like you're mine now. Excitement में यार एक चीज तो भूल ही गया कि जाद मैं स्विमिंग करने रहा हूँ लेकिन मेरे पास ना कॉस्ट्यूम नहीं है। तो कहीं से देखते हैं कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट करता हूँ, जुगाड़ देखते हैं कुछ, या निकर शिकर ले लेंगे रास्ते में डिकैथलॉन का शोरूम है। तो देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ मिल जाता है। फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ मैं, अभी 2:30 बजने का टाइम हो रहा है, जल्दी निकल रहा हूँ थोड़ा सा। रास्ते में निकल शिकर देखते हैं और फिर चलते हैं। Closer won't be long now. You made me write this song, yeah. You say but don't know how. You far away from town. You talking to. और जो कॉस्टन वगैरह तो ले लिए मैंने, अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। रास्ते में वो वेट कर रहा है मेरा। क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया बढ़िया। काफी जल्दी आ गए तुम। जल्दी तो क्या यार, बस बड़ी मचा दी पूरी एकदम। और नहाने लिया इंट्रो दे दे भाई। क्यों दे भाई मेरा इंट्रो? चले फिर चला। मेरी बाइक भी चलेगा? स्कूटी ले लूँ? स्कूटी ले यार, स्कूटी अच्छी है। ठीक है लगाओ, चल इसी में चलते हैं। खड़ा रहा है, चले चलो इंट्रो दे दे। इंट्रो तुम ही दो। नहीं भाई अनिल, फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल के। यहाँ पे सोसाइटी कौन सी है? ये है SL Tower MG Road। SL Tower MG Road
तो आज गोता शोता लगाते हैं भाई के साथ है। जरूर भाई जरूर। और आपको भी एक प्रोफेशनल गोताखोर के साथ स्विमिंग करने का मौका मिलेगा। वैसे यार फ्लैट तो सही है ना, बहुत बढ़िया लोकेशन अच्छी है, साथ में पोस्ट लोकेलिटी में, यहाँ पे एमजी रोड साथ में है ना यहाँ पे। यहाँ पे जो स्विमिंग करने आते हैं अलाउड, मतलब बाहर आउटसाइडर अलाउड है? पहले ये सिर्फ सोसाइटी के लिए था, अभी ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आ सकता है, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकता है या डेली वीकली जिस भी हिसाब से करना चाहे कर सकता है। अच्छा, अगर हमें मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो चार्जेस वगैरह क्या होते हैं यहाँ पे? चार्जेस तो ट्रेनर से पूछ लेते चल के अभी। अच्छा अच्छा, पहुँच के पता चल जाएगा। तो तुम यहाँ पे वन वो आते हैं मतलब पैसा पे किया और स्विमिंग करके ऐसे वन टाइम आते हैं हम संडे संडे एज ए फन। अच्छा ये बट यार आज ना गर्मी बहुत है, बुरा हाल है यार भाई। गर्मी से रात पानी के लिए चल रहे हैं। हाँ वो तो है। बाकी भाई ये बंदा है, ये ऐसा बंदा है जिसे जितनी मर्जी बहस करवा लो। ऑफिस में मैं और ये बहस ही करते थे पूरा दिन। क्यों? और ये बंदा है बहुत ज्ञान पेलता है। ज्ञान जिसके पास होता है वो देगा ही देगा भाई। आप लोगों का वो है ज्ञान लेना आपका काम है। ऑडियंस का नज़ारा दिखाओ, यहाँ पे क्या है? स्विमिंग पूल। अच्छा यहाँ पे तो ये एंट्री ये ऐसे एंट्री करता है कहाँ पे? अच्छा बाकी यार लोकेशन बड़ी सही है एकदम, बिल्कुल सोसाइटी के बीचों बीच है और यहाँ पे हरियाली वगैरह, मतलब जो लोकेशन है वाकई बहुत ज़बरदस्त है। तुम ऐसा मत करो भाई। अरे खोल कपड़े जरूर ले यार, अब लेकर आया है। खोल खोल टी शर्ट, खोल खोल टी शर्ट, खोल जा जल्दी। इतना क्या शर्माता है, मुझे लेकर आया है यहाँ पे और टी शर्ट नहीं खोल रहा, कह रहा मैं कैमरे में टी शर्ट पर नहीं आऊँगा। मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी बॉडी है। अरे तगड़ा मैं सबको नहीं दिखाना चाह रहा हूं। तगड़ा आदमी है तू यार। अभी तो ये गहरा कितना है, मेरे को तैरना नहीं आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूब्स हैं यहाँ पे और इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ पे तैर लूँ उधर वाले में, छोटे वाले में, वो बच्चों के लिए है यार। मेरे को तैरना अभी भी, अभी भी तेरे अंदर थोड़ा ही बचपन है तो कूद जा भाई, सीधा कूद जा। मैं तो बोलूँगा, मैं सिर्फ तेरे को ये बता रहा था कि मैं तैर लूँगा लेकिन तैरना नहीं आता। कोई Like summertime till you were gone. I fell in love with you, and now I can't wait for summertime. For summertime, it won't be long when you come back. I love you like I do, love you like I do. मुझे लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर व्लॉग बना रहे हो भाई। हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर व्लॉग बना रहे हो। तो यार भाई तैरना आता होता ना तो मैं पहले कूद जाता। ओ भाई मेरे साथ गेम मत करो। सही में तैरने नहीं आता यार। अरे नहीं कुछ काम आ गया था। कौन बंदा रुकने वाला नहीं भाई, किसी बातें हो रही है। चलो मैं रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन पे बातें करने आया है। अर्जेंट कॉल ब्रो। तेरी सारी कॉल अर्जेंट ही होती हैं। तेरे लिए निकर लिए भाई स्पेशल। हाँ लेकिन पहनी तूने है भाई। तूने कहा था भाई निकर लेके आना, मैं भी आ रहा। बॉडी बूडी है मेरी थोड़ी बहुत की नहीं? हाँ गोरे हो तुम बस। बॉडी बूडी नहीं है। भाई साथ साथ में ना यहाँ पे टहलने की बहुत सही जगह है, तो आप यहाँ पे टहल सकते हो, टहलने के लिए भी अच्छा है और साथ साथ सामने स्विमिंग पूल है। जगह तो बहुत प्यारी है यार वाकई, नो डाउट। अभी स्विमिंग पूल में ना यहाँ पे एक चीज़ है कि ये बच्चों के लिए यहाँ पे ये बनाया है छोटा वाला, मेरे ख्याल से 2 फुट हाइट पर, ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अभी भाई को बोला मैंने, जो यहाँ पर कह रहा ना मैं कोच हूँ, वो कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा वीडियोस बनाएंगे और साथ में मेरे साथ थोड़ा यार हमें टिप्स वगैरह दो यार थोड़ी, है कैसे तैरते हैं। जब मैं छोटा था ना तो हम लोग आर्मी कैंट में रहते थे, तो वहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल था, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, इसलिए थोड़ा बहुत तैर ले रहा हूँ।
लेकिन इतना अच्छा तैरना नहीं आता, इसलिए मेरे भाई से बोला कि यार थोड़ा बहुत हमें टिप्स वगैरह दो थोड़ा कि किस तरह से तैरेंगे और क्या क्या मतलब टेक्निक्स होती हैं जिससे हमें अच्छी जो है स्विमिंग आ सके। तो कह रहे हैं भाई रेडी है? वैसे यार इतने पतले हो यार, हमारे तो देखो ये पेट कैसे निकले हुए हैं। हमारा एकदम फ्लैट है स्विमिंग है ना। हाँ यार स्विमिंग में एक बात है, एब्स बन जाते हैं ना, अगर मैं डेली करूँगा तो मेरा इतना तो नहीं चाहिए मेरे को। मेरे तो वैसे बन गए शाहरुख खान वाले हैं। शाहरुख खान वाली सही में। अभी क्या करना है मेरे को ये बताओ, सबसे पहले जब तैरते हैं ना हम लोग पानी में डाइव मारते, तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि मतलब जाते लगे कि हम बटरफ्लाई बेस्ट ऐसे वाला डबल हैंड वाला, ये जैसे कि ये है ना, हम तो देसी गोता खो रहे हैं जो गांव में करते हैं। यूं आया हैंड ठीक है, ये लेके ना ऐसे पुश लेना है, पुश आते ही ऊपर मुंह आएगा, मुंह से सांस लेना है, नीचे जाके नाक से छोड़ना है, फिर ऐसे हैंड से, फिर ऐसे ये होता है बटरफ्लाई। अच्छा दोनों हाथों से ऐसे करके और गर्दन ऊपर करनी है और सांस छोड़ना है, करके दिखाओगे? मैं पहले डाइव मार लेता हूँ। अच्छा ये वाली गर्दे है ना? हाँ, ये बटरफ्लाई डबल हैंड करके, ये सबसे हार्ड स्ट्रोक होता है। हार्ड स्ट्रोक है ये? बहुत हार्ड है ये। अच्छा लेकिन तुमने यार एक मिनट में कर दिया वहाँ तक। तो जी साहिल भाई ने बताया कि अगर स्विमिंग करनी है सबसे जो टफ है वो बटर स्ट्रोक है। बटरफ्लाई बटर स्ट्रोक पहले बटर चिकन ही याद आता है, बटर स्ट्रोक बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्ट्रोक है ना। हाँ। दोनों हाथों से ऐसे और गर्दन को बाहर निकालते हुए फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर है। लेकिन ये टफ भी है भाई सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है यार ये टेक्निक थोड़ी सी टफ है। मतलब जो ट्रेनर भी होते हैं ना वो यार कोई जल्दी भी नहीं कर पाते ये चीज़। तो यार जो ये बताओ मेरे को, जो मतलब वो होते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने कभी तैरा ही नहीं है, वो कैसे कर लेंगे भाई इतनी जल्दी? वो ये चीज़ जल्दी नहीं कर पाएंगे ना, उन्हें सबसे पहले तो ये वाला सीखना होता है उन्हें, देसी वाला ये वाला फ्री स्टाइल वाला होता है ठीक है। तो ये सीखना पड़ता है उन्हें। तो ये जो मैं करके दिखा ना बटरफ्लाई, ये हार्ड वर्क इसलिए होता है, जो जैसे कि किसी को टूर्नामेंट खेलना होता है ना, तो टूर्नामेंट में इस चीज़ का रेस होता है। अच्छा टूर्नामेंट में सबसे हार्ड वर्क होता है एक तो ये वाला फास्ट वाला, अच्छा। ब्रीथिंग लेते हुए ठीक है, रुकना नहीं होता। अच्छा। और एक दूसरा बटरफ्लाई जो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो मतलब अच्छी प्रैक्टिस करनी तो ये वाला करो है ना। मैं तो टूर्नामेंट खेलने के लिए कर रहा हूँ। अब टूर्नामेंट खेलने के लिए कर रहे हो, मतलब अभी जब किया कोई टूर्नामेंट या फर्स्ट टाइम है? अभी किया नहीं है, अभी तो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो इतना भी नहीं आता लेकिन आता है। नहीं नहीं यार बढ़िया, लेकिन ये है कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है यहाँ से वहाँ तक, मुझे लगता है एक मिनट से पहले कर ली तुमने। एक मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ यार, 30-40 seconds से होंगे मेरे ख्याल से ना। गूगल्स नहीं है इसलिए, नहीं तो गूगल होते ना, मैं तो पूरा राउंड मार के वापस आता हूँ। अच्छा हाँ, आँखों में पानी चला जाता ना। आँखों में पानी चला जाता तो जी ये जो लोकेशन है ये है हमारा टाइम टावर और एसएल टावर। ये जो पीछे फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है एसएल टावर और इस तरफ है टाइम टावर। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास है, पीर बाबा का यहाँ मंदिर है, उसी के जस्ट ये सेंटर में है। तो जो यहाँ पे साहिल भाई हैं, ये छोटा सा लड़का है, ये कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग स्विमिंग के अलावा स्केटिंग, इसके अलावा क्रिकेट और बास्केटबॉल, ये तीन चीज़ों की यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो क्रिकेट बास्केटबॉल स्केटिंग के क्या क्या चार्जेस हैं आप यहाँ पे आगे एक बार पता कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। बट बहुत ही ऑसम लोकेशन है, काफ़ी प्राइम लोकेशन है और इन्जॉय करने का वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बट मेरा ना गला बैठ गया थोड़ा। ये रात को 10 बजे तक खुला रहता है? रात को यार 10 बजे तो बड़ी सही लोकेशन होती है, लाइटिंग वगैरह होके ये सारी लाइटें जगती हैं, जबरदस्त लोकेशन आती होगी ना। रात को भी आते हैं पब्लिक, आते हैं रात को आते हैं पब्लिक यूपी से आके सीधा पुल पे। अच्छा आराम से अपना एंजॉय करते हैं। तो जो ये एसएल टावर में लोग रहते हैं इनके लिए फ्री है? नहीं नहीं फ्री नहीं, अलग है। अच्छा इनका अलग ही है, अलग है ये। अच्छा ये सोसाइटी का नहीं है, अलग से आपका। आदर्श क्या बताया था आपने? आदर्श अकेडमी है, आदर्श अकेडमी के नाम से है यहाँ पे। सोसाइटी का नहीं है, मतलब एसएल टावर यहाँ पास में पड़ता है, ये अलग से है, मतलब प्राइवेट है। यहाँ पे आप पैसा पे करके आराम से यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम है इनका, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक काफ़ी टाइम होता है, थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप कहीं यहाँ पे जाओ स्विमिंग करने जाओ तो वो 1 घंटे का टाइम देंगे आपको, 1.5 घंटे का टाइम देंगे, 2 घंटे का टाइम देंगे। बट यहाँ पे ये है कि आप 4 बजे आ जाओ, 7-8 बजे तक आराम से अपना इन्जॉय करो। फैमिलीज भी आ सकती हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं। अभी साहिल बता रहा है कि यहाँ पे जो ये लोग रहते हैं ऑफिस से आने के बाद शाम को ज़्यादातर
स्विमिंग करने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा है, ऐसी लोकेशन में घर। तो जी अगर चार्जेस यहाँ की बात करूँ ना, तो जो मंथली है वो 2,500 से 3,000 के बीच में चार्जेस हैं। तो जैसे हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, तो अगर आपको एक दिन भी आना है तो 200 रुपये में 2-3 घंटे 4 घंटे आप यहाँ पर आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। तो जी वीडियो को मतलब एंड करने का टाइम आ गया है ना। आज अनिल के साथ यार बहुत मज़ा आया वाकई में। मुझे भी मतलब मुझे तो मज़ा आया, तेरा पता नहीं भाई। रेगुलरली आते रहता हूँ, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। नहीं मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ठीक है ठीक है जी, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना और मेरे कमेंट भी करते रहना। मेरे दोस्त के नाम का कमेंट जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।